हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ये चंदेरी फैब्रिक लिया है जो 1 मीटर है। ये 2 मीटर है बट 1 मीटर में ही आपका तैयार हो जाएगा जैकेट बनके। तो इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ और इसकी हम कटिंग करेंगे। आप देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से इसको 4 फोल्ड में रखा है, इसकी कटिंग कर दी है। इस तरीके से देखिए, ये हमारा ओपन पार्ट है और ये बंद पार्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम 8 इंच शोल्डर लेंगे और यहाँ से 8 इंच जितना शोल्डर है उतना ही हम आर्म होल लेंगे 8 इंच। इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे, चेस्ट की चौड़ाई 9.5 इंच लेंगे। इस तरीके से फोर्थ पार्ट लेना है, जितनी हमारी चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट लेंगे और मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से गोलाई ले लेनी है, इस तरीके से 1/2 इंच फ्रंट पार्ट की भी गोलाई ले लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई लेंगे 8.5 इंच, मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से इन दोनों को हम मिला लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम कटिंग करेंगे और ये 2-2 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। यहाँ से अब गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। यहाँ से हम इस तरीके से 1 इंच डाउन रखेंगे। अभी हमारा देखिए क्लोज पार्ट है, तो इसे हम इस तरीके से कट करेंगे और बैक पार्ट को साइड में करेंगे और फ्रंट पार्ट की हम आर्म होल की गोलाई लेंगे। अब हम इसे साइड में करेंगे और ये हम नीचे की साइड पे जो हम जैकेट बनाएंगे उसका हम लाइनिंग लगाएंगे। तो इसे इस तरीके से, ये प्लेन है तो इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए उसी अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसी अकॉर्डिंग उस लाइनिंग की भी कटिंग कर दी है इस तरीके से। अब हम ये लेस ले लेंगे और लेस से इसका जो हमारा जैकेट है बहुत ही सुंदर बनेगा, तो इसे हम अटैच करेंगे लेस को इसके साथ। अब हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें लाइनिंग को इस तरीके से उल्टा रखना है, दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ, और इस तरीके से हमें इसे अटैच करना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे इस तरीके से अटैच कर लिया है और अटैच करके हमें इसे पलट के सीधा करना है और दोनों पार्टों को हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। ये गले की साइड हमें ओपन रखना है, इस तरीके से दोनों पार्टों को कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट 1 इंच का इस तरीके से मार्किंग करेंगे और गोलाई लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स,
फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसके भी गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने नेक विड्थ ली थी उतना ही हम यहाँ मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। देखिए, गले की जो विड्थ है वो हम लेंगे 3 इंच और इसकी जो लेंथ है वो भी लेंगे 3 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करेंगे और बीच में गोलाई देके इसकी हम कटिंग करेंगे। अब देखिए, हमारा जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसकी हम कटिंग करेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट लेंगे और इन दोनों को इस तरीके से दोनों शोल्डर को जॉइंट करेंगे। दोनों साइड से जॉइंट मिला लेना है और इसको स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड, दोनों पार्टों को मैंने इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया है। अब हम ये जो ओपन पार्ट है इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे और फिर इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे और फिर हम इसे पलट के सीधा करेंगे। इस तरीके से हमें इस पे स्टिच लगा देनी है ताकि ये हमारा अच्छे से लॉक हो जाएगा। अब देखिए मैडम, दोनों साइड से मैंने इस तरीके से स्टिच करके इसको लॉक कर दिया है। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इस पर लेस अटैच कर दी है। अब हम इन दोनों जॉइंटों को इस तरीके से साइड से स्टिच लगा देंगे। अब देखिए, हमें कॉलर पट्टी बनानी है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसका नाप ले लेंगे। तो इस तरीके से देखिए 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच की हम कॉलर बनाएंगे। तो स्टैंड पट्टी बनाने के लिए, कॉलर स्टैंड पट्टी के लिए हमने इसे इस तरीके से पेस्टिंग पेपर लिया है और इसको देखिए हम इस तरीके से इसकी मार्किंग करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसकी हम कटिंग कर देंगे। हमें इसकी लेंथ 8 इंच ली है और इसकी देखिए हमें जो ये बंद पार्ट है हमें सामने की साइड रखना है और 3 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे 3 इंच पे और यहाँ से हम इसकी गोलाई दे देंगे। राउंड में गोलाई देनी है इसकी। अब हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है। 8 इंच पे हमारी गोलाई आ चुकी है। अब हम देखिए 1-1 इंच का इस तरीके से कॉलर पट्टी लेंगे इस तरीके से मार्किंग करते हुए। हमें नाप लेना है, हमारा 8 इंच आता है वहाँ पे मार्किंग करके इस तरीके से 1-1 इंच की गोलाई लेते हुए हमें इसे इस तरीके से मार्किंग करनी है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से नाप लेंगे, ये 8 इंच तक हमारा आ रहा है। और अगर नहीं आता है तो आप थोड़ा इसको कम कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए,
तो इस तरीके से देखिए हमने ये स्टैंड पट्टी कटिंग कर दी है। अब हम देखिए एक फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर इसको सेट करेंगे और प्रेस से इसको चिपका देंगे। तो इस तरीके से मैंने प्रेस से इसके ऊपर प्रेस करके चिपका दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसे हम कटिंग करेंगे और इसको फोल्ड करते हुए हम स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। अब हम दूसरा फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से हम इसे अटैच कर लेंगे और जो गोलाई की साइड है उसे हम स्टिच करेंगे इसको। अब देखिए हमें गोलाई की साइड इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि ये हमारा अच्छे से कॉलर पलट लेंगे। इसको अब पलटेंगे, सीधा करेंगे इस तरीके से। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए मार्किंग लेंगे, सेंटर बिंदु लगाएंगे और बैक पार्ट पे भी इस तरीके से सेंटर बिंदु ले लेना है। और ये जो हमारा पेस्टिंग पेपर है और जो सिंपल जो हमारा फैब्रिक है उसे इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए हमें उल्टी साइड रखना है और इसकी स्टिच लगा देनी है राउंड बाय राउंड इस तरीके से। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेना है अच्छे से दोनों साइड से इस तरीके से। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे अच्छे से, तो ये हमारा सेट हो जाएगा और कॉलर जो स्टैंड पट्टी है वो हमारी बन जाएगी। और ये हमने जो जैकेट बनाया है बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, किसी भी फैब्रिक पे आप बना सकते हैं लेस लगा के, बहुत ही सुंदर लगता है। किसी भी ड्रेस पे इसको पहन सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमें स्टिच लगा देनी है राउंड बाय राउंड। तो दोस्तों ये हमारा बन के तैयार हो गया है अभी।